हेलो गाइस, आज हम एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो गैंगस्टर की दुनिया का बादशाह था, जिसका नाम है सुक्का कहलौन। हाल ही में गैंगस्टर सुक्का कहलौन के ऊपर एक मूवी बनाई गई थी, जिस मूवी का नाम है शूटर। शूटर मूवी 21 फरवरी 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश मूवी को रिलीज नहीं किया गया। तो सुक्का कहलौन के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सुक्का कहलौन का पूरा नाम सुखबीर सिंह कहलवा है। सुक्का कहलौन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। सुक्का के माता पिता सुक्का को उनकी मौसी के पास छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं, और उसके बाद सुक्का जालंधर में रहने लगता है, और यहीं से सुक्का कालोन ने गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद सुक्का कालोन ने कई बड़ी बड़ी वारदातें की थी, जिनमें सुक्का के ऊपर 2 हत्या, 8 हत्या करने के प्रयास और 7 लूट के मामले दर्ज थे। सुक्का कालोन को एक बार यूपी के नामी बदमाश यामीन ने सुक्का का गला रेत कर उसे यमुना में फेंक दिया था, मगर सुक्का इस बार भी बच निकला। आखिर में 21 जनवरी 2015 की शाम 27 साल के कुख्यात बदमाश सुक्का कहलवा का खून हो जाता है। आपको बता दें कि मूवी के डायरेक्टर बीजय रंधावा ने अभी मूवी का पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें शूटर मूवी को 14 जनवरी 2022 में रिलीज किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।